हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेके विजन पर। आज हम आपको एक ऐसी देश की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं जहां पर रात न के बराबर होती है। एक ऐसा देश जहां मिलती है दुनिया के सबसे ज्यादा वैरायटी के मछलियां। इस देश का हवा और पानी दुनिया में सबसे शुद्ध माना जाता है और ये देश है दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड। एक ऐसा देश जहां आपको एक भी पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि देश की 80% हिस्से में बर्फ ही बर्फ है। इस देश को कभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ने खरीदने की कोशिश की थी। दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है यहां। दोस्तों, आज शेयर करने बाने हैं आप यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत देश ग्रीनलैंड की। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं ग्रीनलैंड की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दो कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। क्या आपको पता है कि इस देश के नाम का मतलब क्या होता है? ग्रीनलैंड का मतलब होता है लैंड ऑफ पीपल, लेकिन यहाँ की कुल आबादी है मात्र 57,000 के आसपास। देश की कुल आबादी में 87% लोग शहर में रहते हैं, तो वही सिर्फ 13% लोग ही गाँव में बसे हुए है। आपको लग रहा होगा कि ग्रीनलैंड नाम है तो यहाँ पर बहुत हरियाली देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रीनलैंड में आप जिधर भी नजर डालोगे उधर ही आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिखाई देगी। ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक, जहां देश की आबादी के कुल एक तिहाई लोग रहते हैं। मतलब 56,000 की आबादी वाले देश में 17,000 से ज्यादा लोग इससे शहर में रहते हैं, बाकी के शहरों में गिने चुने लोग ही नजर आते हैं। यहाँ पर ग्रीनलैंड यूनिवर्सिटी, आर्ट म्यूजियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम, कल्चरल सेंटर और इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। ग्रीनलैंड में लोगों की संख्या बेशक कम है, लेकिन इस देश के लोग बहुत ही क्रिएटिव माने जाते हैं। लोगों की क्रिएटिविटी वाकई में देखने लायक होती है। यहाँ की हर घर की दीवार पर एक से बढ़कर एक टेंटिक दिखती है। लोग यहाँ बर्फ को काट काट कर अलग अलग शेप में चीज बनाते हैं। ये देश वैसे तो स्थिति के हिसाब से नॉर्थ अमेरिका में आता है, लेकिन यहाँ नीम खारून से लेकर लोगों का रहन सहन का तरीका एरोबियन है। 1979 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को अपनी नीम खारून बनाने की अनुमति दी थी, जबकि 2008 में ग्रीनलैंड के लोगों ने अपनी सरकार के लिए वोटिंग किया, जिसके बाद से यहां की सत्ता का अधिकार ग्रीनलैंड के पार्लियामेंट को चला गया। हालांकि अभी भी इस देश में डेनमार्क का इंटरफेरेंस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद अमेरिका ने इस आइलैंड को डेनमार्क से खरीदना चाहा था, लेकिन बाद में अमेरिका को लगा कि सावधा कहीं नुकसान का ना हो जाए और इसलिए उसने हाथ खींच लिए। ग्रीनलैंड में किसी के लिए भी सरवाइव करना आसान काम नहीं। इसका कारण ये है कि बर्फीले होने की वजह यहाँ पर कुछ भी करने को नहीं है। ऐसे में जानते हैं ये लोग कैसे अपनी जीवन जीते हैं। दरअसल फिशिंग देश का मुख्य कारोबार है। ये लोग बड़े लेवल पर मछली पकड़ते हैं और उसके बाद बेचते हैं, अपने लिए भी खाने के तार पर रखते हैं और दूसरे देशों में भी थोड़ा बहुत निर्यात करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश में कुल 225 तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं। जी हाँ, 225 है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा अलग किस्म की मछली पाई जाने वाले देशों की सूची में शामिल है। कई मछलियाँ तो ऐसी भी होती हैं जो कि बर्फ में भी तैरती है। बाकी इस देश के लोगों का खर्चा डेनमार्क की सरकार उठाती है। क्या आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की पूरी आबादी नॉन वेजिटेरियन है? जी हाँ, यहाँ बर्फ की वजह से कोई खेत तो है रही कि लोग अनाज पैदा करेंगे, इसलिए सभी लोग मांस और मछली पर ही पूरी तरह से निर्भर हैं। और साथ ही साथ यहाँ के लोग जंप कर वाइन पीते हैं। वाइन पीना लोगों की शौक भी है और मजबूरी भी। हर से ज्यादा ठंड होने के कारण लोगों को अपने शरीर को गर्म रखने के लिए वाइन पीना पड़ता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ग्रीनलैंड देश का औसतन तापमान मौसम पर, जब यहाँ गर्मी का मौसम होता है उस समय भी तापमान ज्यादा से ज्यादा 4 डिग्री तक जाता है। हमारे देश में जब तापमान 4 डिग्री का होता है तो हमें लगता है कि भाई अब तो ठंड से मर ही जाएंगे, लेकिन ग्रीनलैंड में इसे गर्मी का मौसम माना जाता है। वहाँ के लोग इस मौसम के साथ अपनी आप को एडजस्ट कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में यहाँ भयानक ठंड होती है, लेकिन जब धूप निकलती है तो ये देश किसी जन्नत से कम नहीं लगता। जी हाँ, आसमान से अलग अलग किस्म की रोशनियाँ नजर आती हैं और नीचे बिल्कुल बारीके से पड़ा रहता है, जिस वजह से सब कुछ सफेद होता है। तभी कहा जाता है कि अगर मौसम खिला हुआ हो तो ग्रीनलैंड गॉडलैंड मन जाता है। इसका नज़ारा सच में बेहद खूबसूरत है। दोस्तों, ग्रीनलैंड दुनिया का वो देश है जहाँ सूरज 2 महीने तक डूबता ही नहीं,
जी हाँ, अगर आप रात के 12 मुझे भी देखेंगे तो आपको वैसे ही चमचमाती हुई धूप दिखाई देगी। द 21st of June को, जो कि दुनिया का सबसे लंबा दिन माना जाता है, इस दिन यहाँ नेशनल हॉलीडे होती है। यहाँ बाहर देशे से जो लोग आते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है दिन रात को समझने में। यहाँ पर सूरज नहीं डूबता है 25 मेषे से लेकर 25 जुलाई तक। ग्रीनलैंड दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ कोई रेल नेटवर्क नहीं है। इस देश में एक ट्रेन नाम की चीज नहीं है, और होंगी भी तो कैसे जब 90% हिस्सों में बर्फ ही बर्फ है। तो ऐसे में रेल ट्रैक लगाना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। यहाँ के लोग बोट से या फिर आइस स्केटिंग की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यहाँ पर लोग भी कम है और जो भी है वो आसपास ही रहते हैं। ऐसे में रेलवे ट्रैक का कुछ खास जरूरत भी नहीं है। साथ ही ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे कम पेट्रोल की खपत करने वाला देश है। इस देश में सिर्फ 30,000 कार है, वो भी मुश्किल से ही कभी कभी चलती है। तभी तो ये देश दुनिया का सबसे कम प्रदूषण वाला देश है। इसलिए यहाँ की हवा बहुत ही अच्छी माने जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण नहीं है। दोस्तों, रिसर्च में एक चौंकाने वाली बात का पता चला है कि इस देश में जो आइस शीट है वो 4,00,000 साल से 8,00,000 साल पुरानी है। ग्रीनलैंड की बर्फ की ग्लेशियर में धीरे धीरे कमजोरियां नहीं है, और ये दुनिया के लिए चिंता का विषय है। अगर ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया में भारी मात्रा में तबाही मचेगी, और समुद्र की सतह में 7 मीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी, जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगा। अगर बर्फ पिघलने लगे तो समंदर का स्तर बढ़ेगा, और ऐसे में भयानक बाद आने की नौ बता सकती है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। ग्रीनलैंड की नेशनल सिंबल यानी कोट ऑफ आर्म्स में आपको एक पोलर बियर नजर आ रहा होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये इस देश की पहचान है। यहाँ पर पोलर बियर बहुत ही देखने को मिलते हैं, और ये बड़ा खतरनाक भी है। लेकिन ये पोलर बियर जल्दी इंसानों पर हमला नहीं करते, और ना ही ये इंसानी बस्ती में आते हैं। साथ ही दोस्तों, पोलर बियर यहाँ की नेशनल एनिमल भी है। ग्रीनलैंड की जनता कभी भी इस जानवर को अपना शिकार नहीं बनाती। वो अलग बात है कि इस जानवर का शिकार करना सबके बस की बात है भी नहीं। पोलर बियर दुनिया में सबसे ज्यादा इसी देश में पाए जाते हैं। वैसे भी ये जानवर वही रहते हैं जहाँ भयानक ठंड पड़ती है। अच्छी बात ये भी है कि ये पोलर बियर भी यहाँ के लोगों पर न के बराबर ही हमला करते हैं। ग्रीनलैंड में 400 अलग अलग किस्म के फूल भी पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जंगली जानवरों की, तो हिरन, सफेद खरगोश, आर्कटिक लोमड़ी और एरमीन जैसे जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं, और साथ ही अटलांटिक पफिन, किटीवेक जैसे धंधे प्रदेश के पक्षी पाए जाते हैं। लोग इनका शिकार करते हैं और पकाकर बड़े ही शौक सिखाते हैं। ग्रीनलैंड के लोग बड़े ही रोमांटिक किस्म के होते हैं। जब धूप निकलती है तो सभी लोग अपने घरों के गार्डन में ही करना शुरू कर देते हैं। यहाँ का एक फेस्टिवल भी है जिसे रोमांस डे के नाम से जाना जाता है, जो कि 8 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन सभी पति पत्नी एक दूसरे को ढेर सारा प्यार देते हैं, और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा भी करते हैं। ग्रीनलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है। अगर आप यहाँ के द्वीपों की यात्रा करेंगे तो एक द्वीप को पूरा घूमने में आपको 4 दिनों का समय लग जाएगा। इस देश में सबसे परेशानी ये है कि यहाँ कोई धक्का रास्ता ही नहीं है। ऐसे में आपको बोट के भरोसे ही सफर करना पड़ेगा। ग्रीनलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। वैसे तो आप यहाँ किसी भी मौसम में आ या जा सकते हैं, पर अगस्त के महीने में यहाँ आपको जन्नत जैसा महसूस होगा। बर्फ की चादर ओढ़े ग्रीनलैंड इन दिनों धूप में सुरहना नजर आता है। ऊपर नीला आसमान और जमीन पर सफेद बर्फी बर्फ। यह नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार लगता है। ग्रीनलैंड में ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, बर्फ की घाटी, सिसी मीट का ऐतिहासिक केंद्र, सेंटा क्लॉज हाउस आदि कई ऐसी जगह है जहां आप घूम सकते हैं। और सबसे मजेदार चीज ये है कि आप यहां के बर्फ में खूब आइस स्केटिंग भी कर सकते हैं। और ये दुनिया का एकमात्र देश है जहां आप बर्फों के बीच में बोट राइडिंग का मजा भी ले सकते हैं। ग्रीनलैंड का उनार टॉक हॉट स्प्रिंग्स एक ऐसा हजूबा है जहां आपको हरी कपकपाने वाली ठंड में भी गर्म पाने की चौथी चौथी झील दिख जाएंगे। आप जब भी ग्रीनलैंड जाए तो जरूर इस झील में नहाने का मजा लीजिए। इस लेक का पानी इतना गर्म होता है कि आप घंटों इसमें बैठकर नहा सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। पता दे कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको वीजा लगभग 30 दिन के अंदर मिल जाएगा। ग्रीनलैंड में घूमने के लिए 6-7 दिन में लगभग 175,000 से लेकर 200,000 तक खर्च करने पड़ेंगे।